वेलकम बैक डेयर स्टूडेंट आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा फार्मासर्जी पे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं सारा क्लियर करूंगा कि आपका डाउट क्या है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन या फिर ऑफलाइन एग्जामिनेशन उदय सामंत सर ने बहुत ही बड़ा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है रिगार्डिंग टू द समर ट्वेंटी एग्जामिनेशन और यह आपको जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह आपको जो है वह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस आर अबाउट टू बिगिन विथ देयर एग्जाम सुन स्पेशली द वन दैट हैव नॉट कंडक्टेड देम इट टॉकिंग अबाउट दिस एग्जाम महाराष्ट्र हाइयर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर उदय सामंत हैज सेट दैट ऑल द एग्जामिनेशन ऑफ नॉन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ विल बी हेल्ड इन ऑफलाइन एग्जामिनेशन मतलब जो एग्रीकल्चर वाली एग्जामिने एग्रीकल्चर वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनकी एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगी लेकिन अदर नॉन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगी और यह क्यों हो रहा है उसके रिगार्डेड भी हम जानेंगे कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ इन द महाराष्ट्र हैड बीन विद नेत and increased demand of online exam ever since this decision of making offline exam was announced in some places like nagpur pune etc student of nagpur university and sppu even took out campaign against asking for ऑनलाइन एग्जाम तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वह चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो और ऑफलाइन एग्जामिनेशन ना हो ऐसा स्टूडेंट का मानना है कि उन्हें ऑफलाइन एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम जाने वाली है क्योंकि ऑनलाइन सेशन उनके ऑनलाइन लेक्चर कंडक्ट हुए इसीलिए वह चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन एम पैटर्न से हो लेकिन यहाँ पर जो है उदय सामंत सर ने कहा है कि नॉन एग्रीकल्चरल जो भी यूनिवर्सिटीज़ रहेगी उनके एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगी और उसी प्रकार से नागपुर यूनिवर्सिटीज़ ने भी यह घोषित किया है कि हम एम माध्यम से एग्जामिनेशन लेंगे लेकिन वह एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड पर कंडक्ट की जाएगी उसके रिगार्डेड उदय सामंत सर ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हम ऑफलाइन एग्जामिनेशन ही क्यों ले रहे हैं हमें तो यह भी पता है कि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एग्जामिनेशन चाहिए लेकिन ऑफलाइन एग्जामिनेशन लेने का रीज़न यह है अकॉर्डिंग टू पीटीआई रिपोर्ट द मिनिस्टर सेड इफ़ वी कीपिंग कंडक्टिंग एग्जाम्स ऑनलाइन अगर हम इसी प्रकार से एग्जाम्स ऑनलाइन लेते रहे तो इट वुल्ड रेज अ क्वेश्चन मार्क ऑन वेदर द इंडस्ट्री वुल एक्सेप्ट स स्टूडेंट अगर इसी तरह से हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेते रहे तो कुछ कुछ इंडस्ट्री ऐसे करेंगी जो स्टूडेंट जॉब के लिए जाते हैं उन्हें जॉब इंडस्ट्रीज प्रोवाइड नहीं करेंगी क्योंकि उनमें लैक ऑफ नॉलेज यहाँ पर रहेगा इसीलिए हिन्स द एग्जामिनेशन विल नाउ बी कंडक्टेड एज पर द डायरेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड इन द ऑफलाइन मोड इसीलिए हम एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में कंडक्ट नहीं कर रहे हैं हम एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड पे इसीलिए कंडक्ट कर रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट के भविष्य को देख के हम यहाँ पर जो है स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके इसीलिए उनके एग्जामिनेशन ऑफलाइन ले रहे हैं क्योंकि अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएंगी तो हमने देखा है कि बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट जो है यहाँ पर चीटिंग करते हुए दिखाई दिए कुछ कुछ स्टूडेंट को तो इतना भी नहीं आता उनके वाई वाई चेक किए जब उदय सामंत सर ने यह बयान दिया था कि जब स्टूडेंट के वाई वाई हमने देखे तो उसमें स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आ रहा इसीलिए स्टूडेंट जब ऑफलाइन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेगा तब उसमें एक पोटेंशियल गेन होगा और उस पोटेंशियल के बेसिस पे उन्हें इंडस्ट्रीज जॉब प्रोवाइड करेगी अगर इसी तरीके से ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती रहे तो इंडस्ट्री स्टूडेंट को जॉब प्रोवाइड नहीं करेगी यह बहुत ही बड़ा रीजन है ऑफलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का एज़ पर द प्रीवियस रिपोर्ट महाराष्ट्र यूनिवर्सिटीज आर एक्सपेक्टेड टू एंड ऑफलाइन एग्जाम बाय जुलाई फिफ्टीन तो 15 जुलाई so, से पहले आपके ऑफलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएंगे सारे स्टूडेंट्स की जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी नॉन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज वाइल द एग्जैक्ट डेट एंड शेड्यूल विल बी वेरी फॉर ऑल दिस टेंटिटेटिव डेट हैज़ बीन केप्ड सो दैट द रिजल्ट इवोल्यूशन प्रोसेस कैन बी बिगिन ऑन टाइम अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग आपकी जो है एग्जामिशन डेट यहां पर फिक्स की जाएंगी स्टूडेंट स्टडीज इन महाराष्ट्र यूनिवर्सिटीज़ आर advised टू स्टे इन टच with their institute फॉर द अपडेट ऑन देअर ऑफलाइन एग्जामिनेशन जितने भी महाराष्ट्र के छात्र हैं उनको उदय सामंत सर का यही कहना है कि आपके इंस्टीट्यूट के साथ आपका जो है टच में रहो ताकि आपको आपका टाइम टेबल टाइम पे मिल सके दे आर एडवाइज टू मेक द नोट्स ऑफ एग्जाम डेट एग्जाम डेट आप टाइम अच्छे से नोट करो टाइमिंग एंड अदर डिटेल्स वेल वंस दे आर मेड अवेलेबल देम टू अगर जब टाइम टेबल रिलीज होगा तब आपको मिलेगा लेकिन उससे पहले आप अपने इंस्टीट्यूट के साथ यूनिवर्सिटीज के साथ अच्छे रिलेशन रखो टच स्टे इन टच थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो टेलेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब